this video lecture, we all are going to talk about structure of atom, class 11 chemistry, chapter 2, that is structure of atom. और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की हमने डिस्कवरी देख ली थी, दैट हाउ इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उसका चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन पे और उसका चार्ज टू मास रेशियो क्या है. 1897 में एक ब्रिटिश फिजिक्स जे.जे. थॉमसन ने मेजर किया था रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिकल चार्ज का रेशियो और इलेक्ट्रॉन का मास का रेशियो उन्होंने मेजर किया था. किसकी मदद से? उन्होंने कैथोड रे ट्यूब की मदद से इसको मेजर किया था और अप्लाई किया था इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को एक इलेक्ट्रॉन की दोनों साइड, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को. उन्होंने नोटिस किया जब सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो अप्लाई करी उन्होंने इलेक्ट्रॉन पे, तो जो इलेक्ट्रॉन था वो डिविएट हो रहा था अपने पाथ से, वो बिछड़ रहा था और ट्यूब को, उस कैथोड ट्यूब को पॉइंट ए पे हिट कर रहा था. जब उन्होंने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो उन्होंने नोटिस किया जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पाथ को छोड़ रहा था और कैथोड रे ट्यूब को स्ट्राइक कर रहा था पॉइंट सी पे. और जब उन्होंने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही उस पर रखी बैलेंस करके, तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, क्या नोटिस किया उन्होंने, उन्होंने नोटिस किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पाथ पे, अपनी जगह पे वापस आ गया है और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट उस पर नहीं पड़ रहा है और इस वजह से वो पॉइंट बी पे स्क्रीन को हिट कर रहा है. फिर जे.जे. थॉमसन ने आर्ग्यू किया कि जो अमाउंट है डिविएशन, इलेक्ट्रॉन की जो पार्टिकल्स की अमाउंट है डिविएशन की, उनके पाथ से वो कब होती है, वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स की प्रेजेंस में होती है. और जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड किस पे करती है, ये होता है कि जब जो मैग्नीट्यूड है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल, वो ग्रेटर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल. नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल. और जितनी ज्यादा इंट्रैक्शन होगी उतनी ही ज्यादा डिफ्रैक्शन होती है. जितनी ज्यादा इंट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के साथ उतनी ही ज्यादा डिफ्रैक्शन होती है. सेकेंड, जो मास है पार्टिकल का वो किससे कम है, वो लाइट पार्टिकल से कम है. जो पार्टिकल का मास है इलेक्ट्रॉन के वो उसके पार्टिकल से ही कम है. पार्टिकल का पार्टिकल इतना है बट जो अगर हम मास इसको देखते हैं पार्टिकल इतना है तो मास इससे कम है, मास कम है और इस वजह से डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा हो रही है. जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की, जो स्ट्रेंथ है, जो डिफ्लेक्शन है इलेक्ट्रॉन का अपने ओरिजिनल पाथ से, वो इंक्रीज होता जा रहा है जब वो इलेक्ट्रॉन्स के करीब आ रहे हैं और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के करीब आ रहे हैं, वो इंक्रीज होता जा रहा है डिफ्लेक्शन जब वो उसके करीब आ रहे हैं. और जब हम ये एक्यूरेट मेजरमेंट्स करते हैं अमाउंट ऑफ डिफ्रेक्शन निकालने के लिए, तो हम ऑब्जर्व करते हैं इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. थॉमस ने डिटरमाइन किया, थॉमस ने कहा कि हम वैल्यू क्या रखेंगे, हम वैल्यू रखेंगे इलेक्ट्रिकल पर मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकल प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये जो चार्ज पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ कह सकते हैं चार्ज रेशियो टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या आया, वी गेट इट 1.758820 इंटू 10^11 सी के जी माइनस 1. ओके, ये हमारे पास उसका चार्ज आया, क्या आया, रेशियो आया चार्ज टू मास का. ओके, रेशियो आया है हमारे पास चार्ज टू मास का. ये जो m ही लिखा हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है केजी में और जो e है ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे कॉलम में. ये c जो है ये आपका कॉलम है. इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो माइनस e से डिनोट किया जाता है. हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वे कभी भी पॉजिटिवली चार्ज नहीं हो सकते. नाउ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, हमने यहाँ रेशियो देखा है, हमें एक्यूरेट नहीं पता चला है कि चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन का या मास क्या है इलेक्ट्रॉन का. हमें यहाँ चार्ज और मास का रेशियो मिला है. अब चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे, आर ए मिलिकन ने 1868 से 1953, इन्होंने 1897 नहीं करा था, इन्होंने उससे पहले कर, उन्होंने उससे पहले कर दिया था. आर ए मिलिकन, ये इनका टाइम पीरियड है 1868 से, नहीं सॉरी, इन्होंने आर ए मिलिकन ने चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाद में बताया था. इन्होंने आर ए मिलिकन ने एक मेथड डिवाइस किया जिन्होंने जिससे उन्हें नाम दिया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आर ए मिलिकन लाए 1906 से 1914 के बीच में, वे लाए थे इसको और इससे उन्हें क्या पता चला, इससे उन्होंने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला. बाय यूजिंग ऑफ दिस मेथड ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ही फाउंडेड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. उन्होंने जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला वो था उनका -1.6 × 10^-9 कूलम.
ये माइनस हमने इसे लगाया क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ दैट इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज. जो प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू है इलेक्ट्रिकल चार्ज की वो क्या है, वो है 1.60216 into 10 to the power minus 9 कोलंबस. जो प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू है, पहले हमारे पास ये आई थी माइनस 1.6 into 10 to the power 19, बट हमने अब इसको माइनस 1.6 को और फर्दर कैलकुलेट किया तो हमारे पास माइनस 1.60216 into 10 to the power minus 19 कोलंब. जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी हमने डिटरमाइन किया इस थॉमस ने जो वैल्यू दी थी, थॉमस ने जो हमें रेशियो दिया था, क्या रेशियो दिया था उसने हमें, चार्ज रेशियो टू मास. उसकी मदद से हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाला. कैसे निकाला, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया, हमें चार्ज पता चल गया है तो उसकी मदद से हमने मास निकाला और मास हमारे पास आया 9.1094 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 केजी. और हमें चार्ज पता चल गया, मास भी पता चल गया, उनका रेशियो हमें किसने दिया था, इसका रेशियो ने दिया था जे जे थॉमसन ने. और जे जे थॉमसन के इस रेशियो की मदद से आर ए मिलिकन ने चार्ज निकाल लिया इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लिया. इलेक्ट्रॉन का चार्ज उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की मदद से निकाला, फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन का मास निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो मास को रखा और उसकी मदद से उन्होंने इलेक्ट्रॉन का मास भी निकाल लिया. Okay, so this is how the charge or ratio to mass is, and this is how we have finded the charge and mass of electron. Now, अब हमारे पास आता है protons, discovery of protons and neutrons, की protons और neutrons की discovery कैसे हुई. But उसको नहीं पढ़ेंगे इस वीडियो में हम, इस वीडियो में अब हम आगे पढ़ेंगे Millikan's oil drop method. जो मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप मेथड की, आर ए मिलिकन ने इस ऑयल ड्रॉप मेथड की मदद से क्या करा था, आर ए मिलिकन ने इस ऑयल ड्रॉप मेथड की मदद से ही तो हमें वो दिया था चार्ज और मास इलेक्ट्रॉन का. तो अब इनके इस मेथड को पढ़ते हैं, व्हाट इज इन दिस मेथड. इस मेथड में जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स हैं वे मिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाती हैं जो प्रोड्यूस हुई है एटोमाइजर से, और इनको अलाउ किया जाता है एंटर करने के लिए, किस में एंटर करने के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडेंसर की अपर प्लेट में टिनी होल के द्वारा. छोटे से होल है इलेक्ट्रिकल कंडेंसर की जो ऊपर की प्लेट है उसमें छोटे से होल कर दिए जाते हैं जिस वजह से ये इलेक्ट्रिकल कंडेंसर में आ जाते हैं. क्या ये छोटी सी मिस्ट. फिर जो डाउनवर्ड मोशन है इन ड्रॉपलेट्स का, इन मिस्ट का, वो हम देखते हैं टेलीस्कोप की मदद से कि कैसे ये नीचे जा रही है. हम एक माइक्रोमीटर आई उसमें फिक्स कर देते हैं जिस वजह से हम उसे टेलीस्कोप की मदद से देख पाते हैं, और जब हम मेजर करते हैं कि ये किस तरह से नीचे जा रही है, इस मेजरमेंट की मदद से मिलिकॉन ने क्या कर लिया, ऑल ड्रॉपलेट्स का मास मेजर किया. मिलिकॉन ने मेजर किया ऑल ड्रॉपलेट्स का मास कैसे, उनकी रेट ऑफ फॉल की मदद से. और जो एयर अंदर थी चैम्बर के वो उन्होंने आयोनाइज करी कैसे, एक बीम ऑफ एक्स रेस को पास करके उसके बीच में से. जो चैम्बर की एयर थी उन्हें वो भी देखनी थी कि चैम्बर के अंदर एयर का कितना मास है, फिर वो उसमें से ऑयल ड्रॉप में से उसका मास माइनस करेंगे ना, तो इसलिए उन्होंने वो एक्सरेज की मदद से, एक्सरे की बीम उन्होंने उसके बीच में से पास करी और उसकी मदद से उन्होंने उस इनसाइड एयर का भी मास निकाल लिया. और जो इलेक्ट्रिकल चार्ज आया इन ड्रॉपलेट्स पे वो उन्होंने कैसे पता लगाया, वो उन्होंने कोलिजन गैसियस आयन के साथ उन ऑयल ड्रॉपलेट्स का कोलिजन करके पता लगाया कि उनके उनका चार्ज क्या है. और जो इन चार्ज का फॉल आया कि द फॉल ऑफ दीज चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स, और ये जो चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स फिर हमें मिली इनका फिर हमने फॉल कैलकुलेट किया, एक्सेलरेट किया, रिटायर्ड किया, और एक स्टेशनरी डिपेंडिंग, एक हमें आप कह सकते हैं हाई वोल्टेज अप्लाई की गई प्लेट में स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ पॉपुलरिटी, इस सबसे हाई वोल्टेज अप्लाई की गई किसकी मदद से, किसकी वजह से, उन चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स जब वे एकदम प्लेट से टकराई तो एक हाई वोल्टेज हुई जिस मदद से हमें उनका चार्ज पता चला. और जब हमने केयरफुली मेजर किया इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ का इफेक्ट मोशन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट से कि जब वे टकराई हैं तो कैसा इफेक्ट आया है, तो मिल्की मैन ने क्या मिली कैन ने कंक्लूड किया कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिकल चार्ज का ड्रॉपलेट्स पे वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल है इलेक्ट्रिकल चार्ज का. मतलब जो चार्ज है वो एन ही है, मतलब जो चार्ज है वो एन ही है, वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है. एन आपको फाइंड आउट करना पड़ता है 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, तो जो आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा वो एन ही होगा. इट विल बी ऑन एन ई. आपका जो चार्ज होगा इलेक्ट्रिकल चार्ज वो आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एनी नंबर होगा आपका. ये थी आपकी एक
मिल्की मैन ऑयल ड्रॉपलेट का चैम्बर था, क्या करा था यहाँ पे ऊपर वाली प्लेट लगाई थी, इसमें छोटे से होल थे जिससे आपकी जो ऑयल ड्रॉप्स थी वे नीचे गई। फिर ऑयल ड्रॉप्स का इन्होंने रेट ऑफ मेजर करा कि नीचे किस मेजर से जानी है, एयर का मास इसमें से हटा दिया, एयर का मास हटा के ऑयल ड्रॉपलेट्स का मास से उसे माइनस कर दिया, ऑयल ड्रॉपलेट्स का मास आ गया, ऑयल ड्रॉपलेट्स के मास की मदद से हमें इलेक्ट्रॉन का मास मिल गया। ओके उसके बाद हमने इसमें से क्या करा, ऑयल ड्रॉपलेट्स का मास हमें मिल गया, उसके बाद हमने इन्हें कुछ आयोनाइज्ड कंपोनेंट्स के साथ इनको कॉलिजन कराया इनका, और जब इनका कॉलिजन हुआ तो इनके ऊपर चार्ज आ गया, तो ये बन गए चार्ज इलेक्ट्रॉन मैक्स एंड वी गेट द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। थैंक यू।